पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र के ग्राम विद्यार्थीपुरम में बनाए गए अंबेडकर पार्क में लगी भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई। मूर्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से अराजक तत्वों ने पहले तो मूर्ति के सिर में रस्सी डालकर नीचे गिराने का प्रयास किया। जब मूर्ति नीचे नहीं गिरी तो अराजक तत्वों के मूर्ति के हाथ की उंगली तोड़ दी। मूर्ति तोड़ने की आवाज सुनकर वहां मौजूद ग्रामीणों ने अराजक तत्वों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने तो ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखकर अराजक तत्व फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मूर्ति को क्षति पहुंचाए जाने की सूचना पर जिले के आला अधिकारी आधी रात को मौके पर पहुंचे और मूर्ति को ठीक कराया। वहीं पुलिस ने अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। जी, तो हम ऊपर थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ पे पराली जल रही है। मैंने कहा सर मुझे तो जानकारी है नहीं इसकी, तो फिर उसके बाद इसी की बात कर रहे थे हम। फिर पुलिस वालों ने इस साइड में मूर्ति की तरफ टॉर्च लगाई, एक फायर हुआ, फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर दूसरा फायर हुआ, फिर और आगे बढ़े तो तीसरा फायर हुआ। हम लोग उनके पीछे भी गए, वो लोग भाग गए। हम लोगों ने जाकर के प्रतिमा के पास देखा तो गले में जो रस्सी बांध रखी थी और ये हैंड जो है टूटा हुआ था, ये जो अपना संविधान है ये भी नीचे गिरा पड़ा था, और ये जो उंगली उठा रखी थी ये भी इतना टूटा हुआ था। अच्छा। फिर हाँ, हम लोग बहुत देर तक इधर उधर देखते रहे, कोई नजर नहीं आया। मैनपुरी से हमारे संवाददाता नफीश अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नफीश, अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की है, अभी तक क्या कुछ जांच में जानकारी मिली है, कौन लोग थे और किन लोगों के द्वारा ये मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया गया? जी, आपको बता दें ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के पिछवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर कुछ रात में दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो अराजक तत्व हैं वो एक विशेष समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके चलते इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इस बात को लेकर के काफी दिनों से ये मामला चला आ रहा था और रात में मौका पाकर घटना को अंजाम दे दिया है। नफीश, अभी तक कोई जानकारी मिली कि कौन लोग थे और इसके पीछे क्या मंशा उनकी थी? उनकी मंशा जो है, ग्रामीणों द्वारा जो जानकारी मिली है कि पूर्ण रूप से जो जाटव जाति के लोग जो रह रहे हैं, उनका जो है गांव से निकासी को लेकर के ये जो ठाकुर समुदाय के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो उन्हें गांव में रहने नहीं देना चाह रहे हैं। मेन उद्देश्य ये है। जी नफीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।